गणनाथ सरस्वती रविशुक्र बृहस्पतीन पंचयितान संस्मरण नित्यम वेदवाणीं प्रवर्तयेत्। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री वेद पुरुषाय नमः, श्री मद गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। देखिए, जिला पलामू झारखंड से कृष्ण कुमार पाठक जी का ये प्रश्न है कि आचार्य जी, मेरा प्रश्न है कि क्या शूद्र वर्ण के घर से दूध दही का उपयोग किया जा सकता है? साथ ही सूतक होने की स्थिति में दूध दही का उपयोग उस परिवार के घर से किया जा सकता है? मैंने ये पूछना चाह रहे हैं कि किसी परिवार को आशौच लगा हो, जनना शौच या मरना शौच, तो उनके यहाँ से दूध दही इत्यादि कुछ संभार लिया जा सकता है? इसी प्रकार शूद्र वर्ण के परिवार से भी दूध दही इत्यादि लिया जा सकता है या नहीं? प्रश्न बहुत अच्छा है। देखिए, धर्म सिंधु में इस पर चर्चा की गई है। देखें, इसमें संभार गिनाए जा रहे हैं। पहले आशौच जिन परिवार को लगा हुआ है, ऐसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो भी हैं, उनको यदि जनना शौच या मरना शौच है तो उन व्यक्ति के यहाँ से क्या क्या संभार लिया जा सकता है और किस विधि से लिया जा सकता है। देखिए, पुष्प, फल, मूल, लवण, मधु, मांस, शाक, तृण, काष्ठोदक, क्षीर, दधि, घृतौषधि, तिल, तद्विकारा, इक्षु, तद्विकाराणाम, जलादि भर्जितान्नस्य, लड्डुकादीनां च आशौच स्वामिनां, आशौच गृहस्थितानां च ग्रहणे दोषो न। आशौच हस्तात्तु किमप्येतन् न ग्राह्यम्। देखें, कह रहे हैं कि पुष्पों को, फलों को, मूल माने किसी जड़ों को, शकरकंद आदि जड़ों को, लवण, नमक, मधु, मांस, जो लोग इसका जो है उपयोग करते हैं, शाक माने सब्जियां, तृण, काष्ठ लकड़ी, ईंधन आदि, उदक माने जल, यदि किसी ऐसे व्यक्ति का कोई जलाशय है, कुआं है जिसको आशौच लग गया है, क्षीर माने दूध, दधि, घृत, औषधि, तिल और तिल से बने हुए उनके विकार, तेल आदि और भी कोई पदार्थ बने हुए हैं शुष्क, और इक्षु और तद्विकार, इक्षु माने गन्ना, ईख और उसका विकार, खाड़, शर्करा, गुड़ आदि, और लाजा, खील, और भर्जितान्न भुंजा हुआ अन्न, चना भुंजे हुए या कोई भी अन्न भुंजा हुआ उसके फूले, लड्डू, लड्डुकादीनाम, आशौच स्वामिनाम, आशौच गृहस्थितानां च ग्रहणे दोषो न। जिन परिवारों को आशौच लगा हुआ है उनके यहां से ये वस्तुओं को लेने में दोष नहीं है, लिया जा सकता है। परंतु कैसे? कि आशौच हस्तात्तु किमपि न ग्राह्यम्। अगर किसी को आशौच लगा हुआ है तो उसके हाथ से नहीं लेना है, उनका हाथ ना लगे इन वस्तुओं पे, और अपने हाथ से उसका कोई अन्न रखा हुआ है जिस पे उन्होंने हाथ नहीं लगाया हुआ है, जो भुंजा हुआ है, उसको आप ले सकते हैं। उनके यहाँ कोई कूप इत्यादि है, वहाँ से जल ले सकते हैं। उनके गाय है तो उनके गाय से दूध आप खुद धो करके अपने पात्र में और ले सकते हैं। इसी तरीके से उनके यहाँ कोई बगीचे में पुष्प आदि हैं तो पूजन आदि के लिए आप अपने हाथ से लेकर के आ सकते हैं। तो इसमें जितने संभार गिनाए गए हैं उन संभारों को जो आशौची नहीं है
वो व्यक्ति आशौच वाले परिवार के यहां से लेना चाहता है तो स्वयं अपने हाथों से लेकर के स्वीकार कर सकता है और उसका उपयोग किया जा सकता है, इसमें दोष नहीं है। आशौच अस्तात् किमप्येतन् न ग्राह्यम्, इसमें से कोई भी चीज आशौची के हाथ से नहीं लेनी है, यदि ले लिया तो फिर वो अग्राह्य हो जाएगी। तो इसी तरीके से अगर कोई जो सतशूद्र हैं उनके यहां से, जिनके यहां ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जलपान इत्यादि करते हैं, तो ऐसे के यहां से जो ये दुग्ध दधि इत्यादि जो आपने पूछा है ये लिया जा सकता है। और मुख्य रूप से तो इसी तरीके से कि उनका हाथ न लगे और आप दूध ले में गोदोहन खुद कर ले में, या इन वस्तुओं को उनके हाथ से दुहा हुआ भी लिया जा सकता, किसी विशेष कार्य के लिए या विशेष रूप से तो अपने हाथ से दुह ले में तो ही श्रेष्ठ है। अन्यथा जिनके हाथ से, जिनके यहाँ का जल पान इत्यादि होता है गोपाल आदि जाति में, तो उनके यहाँ से ये सब वस्तुओं को उनके हाथ से भी स्वीकार किया जा सकता है, इसमें दोष नहीं है। हर हर महादेव।